मोनिका जैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका मेहंदी आर्ट। सो फ्रेंड्स, हम वापस से आए हैं एक आप लोगों के लिए नई डिज़ाइन लेके। तो यहाँ पे गल्फ डिज़ाइन का मैं एक वेरिएशन लेके आई हूँ। गल्फ डिज़ाइन का जो है वो डेलिकेट लुक जैसा मैं एक डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। तो आज आप ये वीडियो देखो और बताना मुझे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो मैंने यहाँ पे स्पाइरल यूज़ किया है, सेंटर में पाम का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे मैंने स्पाइरल यूज़ किया है। देन मैंने यहाँ पे स्कैलप यूज़ किए हैं। तो प्रेशर से यहाँ पे आपको पेटल्स बनानी है। तो यहाँ पे मैं गल्फ टेक्निक ही यूज़ करूँगी, मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल टेक्निक नहीं यूज़ कर रही हूँ। गल्फ डिज़ाइन अगर हम क्रिएट करते हैं, बोल्ड फ्लावर्स जब यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर वहाँ पे जो डिज़ाइंस यूज़ होती है वो आपको डायरेक्टली और प्रेशर से ही आपको बनाना है। देन जो फ्लो वर्क होता है वो आपको करना है। तो ऐसे आपको फ्लावर ड्रॉ करना है। देन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं। देन यहाँ से लीव्स। देन यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। देन यहाँ पे पेटल्स ड्रॉ करनी है। सो वन साइड आप डायरेक्ट स्ट्रोक वाइज लीव्स यूज़ कर सकते हो, देन सेकेंड साइड आप ट्रेडिशनल टेक्निक का यूज़ कर सकते हो लीव्स में। देन यहाँ से मैं स्पाइरल यूज़ करूँगी, देन स्कैलप। इस तरह से फ्लावर का जो आउटर एरिया है वो आपको कवर करना है विद द हेल्प ऑफ स्पाइरल एंड स्कैलप। सो ये जो डिज़ाइन है बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक है। देन एज अ बिगनर जिनको मेहंदी नहीं भी आती है वो भी ये डिज़ाइन कर सकते हैं, बट उसके पहले आपको जो लीव्स एंड देन स्टॉक है और जो फ्लावर्स है वो आपको पहले सीखने होंगे। तो इसका लीव्स पे और ये फ्लावर्स पे ऑलरेडी मेरा वीडियो है, तो आप वो देख सकते हो। देन वो डिज़ाइन का रेफरेंस लेके हमने ये एक क्रिएशन किया है। तो यहाँ पे आपको तीन के सेटअप में लीव्स यूज़ करनी है। जो हमने स्पाइरल एंड स्कैलप की डिज़ाइन बनाई है उसके बीच में, दो के बीच में जो एक स्पेसिंग है उसे आपको कवर करना है विद द हेल्प ऑफ लीव्स। आई लव दैट लीव्स ऑल्सो,
मुझे पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है लीव्स के वेरिएशन, और मैं बहुत लीव्स में हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहती हूँ, कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करती हूँ। सो अपोजिट साइड भी आपको ऐसे ही लीव्स बनानी है। देन जो ड्रो की हमने लीव्स, उसकी फिलिंग आपको ऐसे करनी है डाउन टू अप। तो इस तरीके से आपको लीफ को बोल्ड करना है। देन ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा डिज़ाइंस नहीं यूज़ करेंगे। देखो एवरी टाइम दैट नॉट पॉसिबल कि आपके क्लाइंट को हमेशा हेवी वर्क पसंद हो, बहुत भरी भरी डिज़ाइंस पसंद हो। समटाइम्स आपके पास ऐसे भी ऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे आपको बहुत कम टाइम मिलता है, देन कम टाइम में आपको अपनी क्रिएटिविटी को शो करना होता है, तो वहाँ पे आप ऐसे पैटर्न का यूज़ कर सकते हो, ऐसे डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हो जो आपके क्लाइंट को पसंद भी आए, देन कम टाइम में लगा भी सको। तो ये ऐसे डिज़ाइंस सीखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप हमेशा हैवी वर्क ही करो। मैं पर्सनली बहुत डिज़ाइनर वर्क करती हूँ, मेरे एवरी डिज़ाइंस आप इंस्टा पे देख सकते हो, काफ़ी डेलिकेट और बहुत इंट्रिकेटेड डिज़ाइंस होते हैं। बट मेरे स्टूडेंट को मैं हमेशा एक ही चीज़ बताती हूँ कि कभी भी आपको एक ही वर्क पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको सारे टाइप के डिज़ाइन का नॉलेज होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ ऑन द स्पॉट आपके कोई भी क्लाइंट कोई भी डिज़ाइन आपको निकाल के अगर देते हैं ऑनलाइन, या कोई भी डिज़ाइन आपको बोलते हैं जो आपके लिए एक चैलेंज वाला वर्क है, तो आपको वहाँ पे अनकॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मैं नहीं बना सकती, या अंदर से ऐसी फीलिंग आ गई कि ये होगा या नहीं होगा। सो वो ऐसा इसलिए होता है कि आपको वो चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है ये सब डिज़ाइंस की भी हमेशा। सिंपल डिज़ाइंस भी बहुत मैटर करते हैं। आप लोगों को भी मैं यही चीज़ बोलूँगी कि एवरी टाइम आप सारे डिज़ाइंस के क्रिएशन करो, धीरे धीरे सारे डिज़ाइंस को ट्राई करो, तो हो सकता है कि वो डिज़ाइंस आपको याद हो जाए। कुछ बोलते हैं मैम डिज़ाइंस पता नहीं चलते, कब कौन सी डिज़ाइन के बाद क्या लेना है, सेटअप कैसे करना है, तो उसका रीज़न ये है कि आप डिज़ाइंस को बनाते नहीं हो, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। जितनी ज़्यादा आप डिज़ाइंस की प्रैक्टिस करोगे, जितने वेरिएशन को थिंक करोगे, उतना ही ज़्यादा माइंड आपका वर्क करेगा, देन आप खुद से क्रिएट कर पाओगे डिज़ाइंस। जो लोग खुद से डिज़ाइंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उनका रीज़न यही है कि ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर आर्टिस्ट एंड ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर डिज़ाइंस, तो अदर डिज़ाइन को फॉलो करते हैं या अदर डिज़ाइन को कॉपी करते हैं, तो वो हमेशा कॉपी करने में ही आगे हो जाते कि ऑलवेज कॉपी ही करना है। तो मैं एक ही सजेशन दूंगी कि कॉपी करना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि आप हमेशा दूसरों पे ही डिपेंड रहो। तो कॉपी करो, बट आप उससे कुछ ना कुछ सीखो कि कौन से डिज़ाइंस कैसे बने हैं, कहाँ पे क्या यूज़ किया है। तो अगर आप कॉपी करते करते हमेशा कॉपी करोगे, आपको ये चीज़ पता नहीं है कि उसमें हो क्या रहा है, तो आपको अपनी गलतियाँ भी कभी पता नहीं चलेगी। तो यही चीज़ है कि कॉपी करना चाहिए, बट कॉपी करके आपको सीखना भी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ फिंगर्स मैंने सेंटर से स्टार्ट की है, कुछ डाउन साइड से स्टार्ट की है, देन लास्ट फिंगर की मैं अप साइड से स्टार्ट करूँगी।
तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो मेरे एवरी वीडियोस जब भी आएंगे तो आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप उससे देख सकते हो। और हाँ मेरे चैनल पे कमेंट करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो को शेयर करोगे तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेहंदी सीखनी है बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं कर पाते, तो आपका एक छोटा सा शेयर उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि वो कहीं ना कहीं ये चीज़ सीख पाए। ओके, तो ये चीज़ आपको करनी है इफ़ अगर आपको अच्छा लगता है तो। सो नेक्स्ट हम थम का पोर्शन कवर करेंगे, ओनली लाइट डिज़ाइन यूज़ करनी है। बोल्ड बॉर्डर लिया है, सिंगल लाइन बोथ साइड, देन स्कैलप यूज़ करना है। अगेन सिंगल लाइन, डबल लाइन, बोल्ड लाइन, सो आई होप कि आज की मेरी ये सिंपल एंड गर्ल्फ डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सी दिस लुक एकदम सिंपल डिज़ाइन है, हमने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया है बिकॉज आने वाले डिज़ाइंस में हम बहुत कुछ करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।